हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। ये एक्सरसाइज है 3.5 और अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा, उसका हल जो है वो अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर अद्वितीय हल होगा तो हमें उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने सेक्शन नंबर 1 में समझा दिया था कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है, a1 into x plus b1 into y plus c1 is equal 0, प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे माइनस है। और होता है a2 into x plus b2 into y plus c2 is equal 0। तो अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को मैच खिलाते हैं तो मैच नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पे C1 नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करेंगे कि 3x माइनस 5y प्लस 20 को माइनस 20 में चेंज कर देते हैं और इक्वल 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल 0। तब इन इक्वेशन से इन इक्वेशन को मैच खिलाए तो मैच खा जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम चेक करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को चेक करेंगे कि इसका हल जो है वो अद्वितीय होगा या फिर कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कोई आंसर नहीं निकलेगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। तो चेक करने के लिए हमें A1, B1, C1, A2, B2 और C2 चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, A1 जो है यहाँ पे, A1 वो x का गुणांक है, A1 जो है x का गुणांक है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक है 3। A2 क्या है, A2 यहाँ पे x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। वैसे ही B1 y का गुणांक है, तो y का गुणांक है -5, तो B1 इज इक्वल -5 और B2 है -10। C1 C2, तो C1 है -20 और C2 है -40। तो हमें ये सब प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 निकालते हैं। तो A1 है 3 और A2 है 6, यानी 1/2। A1 बटे A2 निकल गया 1/2। B1 बटे B2 निकाल के देखते हैं, -5 बटे -10, माइनस माइनस कर, ये भी 1/2 निकलेगा। अब C1 बटे C2 भी निकाल लेते हैं, तो C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, -20 बटे -40, माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ भी 1/2। तो देखिए, A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 1/2, C1 बटे C2 1/2, सबका मान 1/2 निकला है। यानी a/2, तो हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, क्योंकि तीनों का मान निकला है 1/2। और अगर इक्वेशन का, किसी इक्वेशन का ऐसा सिचुएशन निकले तो हमें समझ जाना है कि उसका जो हल निकलेगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा जब इक्वेशन का ऐसा सिचुएशन आता है तो अनेक हल होगा। तो क्वेश्चन में फिर ये कहा गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अद्वितीय हल की स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ पे अनेक हल की स्थिति है। तो हमें इस मैथ को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें इसका हल नहीं निकालना है, उसे वज्रगुणन विधि से हमें इसका ज्ञात नहीं करना है इसका हल। तो ये था सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो दो इक्वेशन दिया गया है, x माइनस 3y
माइनस सेवन इज इक्वल जीरो, और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल जीरो। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है, ए वन इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू वाई प्लस सी वन इज इक्वल जीरो। तो ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तथा दूसरा इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का सिचुएशन कैसा होगा। जैसा कि ये जो सेक्शन नंबर 3 में ऐसा सिचुएशन निकला है, तो सेक्शन नंबर 4 में कैसा सिचुएशन निकलेगा तो हम लोग चेक करेंगे। तो ए वन क्या हो जाएगा, ए वन होगा यहाँ पे 1, एक्स का गुणांक है 1। ए टू क्या होगा, ए टू एक्स का गुणांक है 3, तो ए टू हो जाएगा 3। बी वन है यहाँ पे वाई का गुणांक है माइनस थ्री। बी टू है वाई का गुणांक यहाँ पे भी है -3, तो -3। सी वन सी टू, तो सी वन क्या है -7 और सी टू है -15। ये सब हमें मालूम हो गया। अब हम ए वन बटे ए टू निकालते हैं। तो ए वन है 1 और ए टू है 3, तो 1/3। बी वन बटे बी टू निकालते हैं, तो बी वन है -3 और बी टू भी है -3, तो माइनस माइनस कट और ये भी हो जाएगा 1/1। तो देखिए ए वन बटे ए टू बराबर निकला 1/3, लेकिन बी वन बटे बी टू निकला 1/1, यानी ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। इससे ही हमें समझ में आ जाता है सी वन बटे सी टू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे क्लियर हो गया कि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, यहीं क्लियर हो जाता है। तो हमें सी वन सी टू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर देखिए अब इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का ऐसा सिचुएशन आया है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें समझना होगा कि इन दोनों इक्वेशन का अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, अनेक हल होगा अगर ऐसा सिचुएशन आता है। तो फिर देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अपरिमित रूप से, सॉरी, ये अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, बल्कि ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल निकलेगा अगर ऐसा सिचुएशन आए तो। उस दोनों इक्वेशन का अद्वितीय हल होगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अद्वितीय हल निकल गया है, तो हमें इसे वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करना है, यानी x निकालना है तथा y निकालना है। तो मैंने x तथा y का फॉर्मूला बताया था कि x और y कैसे निकाला जाता है। तो x निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज होता है वो होता है बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन बटे ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन। एक्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ये जो फार्मूला है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी से निकल जाता है। तो बी वन क्या था, बी वन था -3 इंटू सी टू था -15, फिर है माइनस बी टू है -3 इंटू सी वन भी है -7, इसे एक छोटे से ब्रैकेट में रख सकते हैं, ए वन इंटू बी टू, ए वन है 1 इंटू बी टू है -3, फिर है माइनस ए टू इंटू बी वन, तो ए टू है 3 इंटू और बी वन है -3।
तो माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन, सबसे पहले देखते हैं थ्री इंटू फिफ्टीन क्या होगा, थ्री इंटू फिफ्टीन 45 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 45, माइनस थ्री इंटू सेवन 21, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 21 बटे 1 इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, थ्री इंटू थ्री क्या होगा माइनस, ये सॉरी थ्री इंटू थ्री 9 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 9 हो जाएगा, फिर माइनस 9 को माइनस के साथ अगर गुना करते हैं तो प्लस 9, तो 45 प्लस माइनस, माइनस इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा 6, तो 45 से 21 अगर माइनस होता है तो 24 बटे 6 यानी 4, यानी x निकल चुका 4। अब y देखते हैं, अब y के लिए सूत्र जो होता है यानी फॉर्मूला जो होता है वो होता है c1 into a2 माइनस c2 into a1 बटे a1 into b2 माइनस a2 into b1, ये फॉर्मूला होता है y के लिए। तो देखिए अगर आप लोग देखते हैं तो जो बटे में है x के लिए a1 into b2 माइनस a2 into b1 और y के लिए भी बटे में है a1 into b2 माइनस a2 into b1, तो जो फार्मूला है वो इजी फार्मूला है दोनों का ही। तो देख लेते हैं, c1 था माइनस 7 into a2 है 3 माइनस c2 into a1, तो c2 था माइनस 15 और a1 है 1 बटे a1 है 1 और b2 है माइनस 3 माइनस a2 इंटू b1, तो a2 है 3 और b1 है माइनस 3, तो 7 इंटू 3 21, माइनस 7 है तो माइनस 21, माइनस माइनस 15 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, फिर माइनस 15 को अगर हम लोग माइनस के साथ गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 15 बटे 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 9, तो माइनस 21 प्लस 15 हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 3 प्लस 9 6, तो 6 6 कट यानी माइनस 1, तो y बराबर निकल चुका माइनस 1 और x बराबर निकल चुका 4। तो ये था सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज था 3.5। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और कहीं पे प्रॉब्लम होता है इनको लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।